मेहरुन्निसा भाभी ने जो वहाज की दुल्हन के लिए लिया, अब वो सब कुछ तुम्हारे पास है। Yes. लेकिन वरीशा, तुम इनमें से कोई चीज इस्तेमाल नहीं करोगी। ये सारी चीजें शिफा को लौटा दो। जी, लौटा दूं? हाँ क्यों? इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं, मेरे काम भी तो आ सकते हैं ना। शिफा और शीरी के दिल में उतरने का यही एक रास्ता है। इनमें से कोई चीज तुम्हारे काम नहीं आएगी। ये उनको वापस लौटा दो और मेरी बात गौर से सुनो। तुमने शिफा और शीरी से ये बात करनी है। भाई, मुझे तो वरीशा का आइडिया बहुत पसंद आया। अब तारीख ऐसे ही तय होगी। क्यों वरीशा, अब क्या करना है इन्हें? अब जी दादो, तो देखें भाई, मेरे पास एक बास्केट है और इसमें छोटी छोटी पर्चियां, कुछ हैं ग्रीन पर्चियां और कुछ हैं येलो पर्चियां। करना ये होगा कि एक पर्ची शिफा चूज करेगी और दूसरी वहाज। एक में तारीख होगी और दूसरी में मंथ, और उसके बाद हम उसी को देखते हुए इनकी शादी की डेट फिक्स करेंगे। अच्छा है ना आइडिया? चलो भाई निकालो। अब जब सारे ये स्टूपिड गेम खेल ही रहे हैं तो मैं भी खेल लेता हूँ। एक काम करते हैं, एक और अटेम्प्ट करते हैं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, बिकॉज़ फाइनल हो चुका है दादू। आई थिंक घबरा क्यों रही हो, एक अटेम्प्ट कर लेने दो। इसकी जरूरत नहीं है। क्या ओए, तुम्हें क्या लगता है मैं जमीन से नहीं उठा सकता? वहाज इसकी जरूरत नहीं। मामा, मामा क्या हो गया? मामा क्या भाभी? मामा देख के देख के देख के आराम से। मामी पानी लाए, कोई पानी लाए। मेरा ख्याल है वरीशा बेटा, हमें घर चलना चाहिए। बड़े बाबा, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मानेंगे प्लीज? क्या बेटा? मैं जानती हूँ कि ये मुनासिब नहीं है आपके घर में मामा का मेरे साथ रहना, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊँ, क्योंकि अगर वो घर जाएंगी ना तो डैड फिर से उन पे जुल्म शुरू कर दे। मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ।